This video is only for education and learning purpose. Investments and trading in share market is highly risky. Do at your own risk. हम किसी भी तरीके की कोई भी share market से related tips या services नहीं देते हैं, ना ही हमारा कोई paid group या कोई paid service है. Hello traders, कैसे हो आप सब लोग? आज आपसे बहुत important बात करनी है, आपको एक बहुत important चीज सिखानी भी है. उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ. कल का जो हमने analysis दिया था आज के market के लिए expiry के लिए, as it is वो चला बिल्कुल. हमने कहा था कि कल के दिन यानी कि आज के दिन आपको एक्सपायरी मोमेंटम देखने को मिलेगा और शानदार मोमेंटम देखने को मिला. पुट साइड में लोगों ने अच्छा पैसा कमाया. आपने देखा वो मार्केट दो तीन दिनों से कंसोलिडेशन जोन में था. हमने कल के एनालिसिस में कहा था कि डेफिनेटली आपको एक्सपायरी के दिन यानी कि आज के दिन एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा. हमने इतना तक लिखा था कि धमाकेदार एक्सपायरी होगी. तो पिछले दिनों के मार्केट को देखते हुए आज की एक्सपायरी धमाकेदार ही थी. पुट साइड में अगर देखा जाए तो लोगों को अच्छा प्रॉफिट मिला है. इतने दिनों से मार्केट एक रेंज में 100-200 की रेंज में मार्केट अपना दिन निकाल रहा था. कंसोलिडेट करता हुआ आज हमें 500 से 600 पॉइंट प्लस मोमेंट देखने को मिला, वो भी वन साइडेड मोमेंटम. तो ये एक अच्छी बात है कि हमारे प्रेडिक्शन चले हैं. लेकिन हमने किस बेसिस पर प्रिडिक्शन किया, आपको एक्सपायरी के दिन कैसे पता चलेगा एक दिन पहले कि अगले दिन मोमेंटम हो सकता है या नहीं हो सकता, क्या वन साइडेड मूव मिलेगा या क्या कंसोलिडेट होने के चांसेस ज्यादा है, उसी पर हम बात करेंगे. कोशिश करूंगा आपको समझाने की. तो इसी से रिलेटेड पूरी वीडियो है, ध्यान से देखना. उससे पहले आपको एक चीज जाननी जरूरी है. चलो मैं इसी वीडियो के साथ ही वो बता दूंगा, वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है. चलिए शुरू करते हैं. यहां पर मैं ड्राइंग को थोड़ा साइड कर देता हूं. ऑलवेज रिमेंबर, मार्केट जब एक कंसोलिडेशन के अंदर होता है, कंसोलिडेशन मतलब समझते हो, मार्केट एक छोटी सी रेंज पकड़ लेता है, 100 पॉइंट से 200 पॉइंट या 250 पॉइंट के आसपास की एक रेंज पकड़ लेता है, एक कंसोलिडेशन जोन में एक टॉप बना लेता है, एक बॉटम बना लेता है और कहीं ना कहीं उसी रेंज में जाता है, तो फॉर श्योर मार्केट उस रेंज को तोड़ने की कोशिश करता है. लेकिन उसका बेनिफिट जब मिलता है, जब हमारे उस रेंज, ये जो रेंज बनी है, ये अगर हमारी एक्सपायरी से पहले के एक दो दिनों में बनी हुई है, तो हमारे लिए एक्सपायरी जैकपॉट साबित हो सकती है अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो. इसके दो कारण है मेन जो कि आपको जानने जरूरी है, वो मैं बता दूंगा. देखो क्या होता है, एक्सपायरी से पहले अगर मार्केट, दो चीजें हमेशा याद रखो, ऑलवेज रिमेंबर टू थिंग्स. एक्सपायरी से पहले अगर मार्केट, जैसे कि वेडनेसडे या ट्यूजडे को या फिर वेडनेसडे को मार्केट अगर कंसोलिडेशन जोन में है, तो ऑलवेज रिमेंबर अगले दिन यानी कि एक्सपायरी के दिन हमें एक वन साइडेड मोमेंटम मिल सकता है, चांसेस है. और अगर एक दूसरी बात, अगर एक्सपायरी से पहले वेडनेसडे को या ट्यूजडे को मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम दे देता है, या फिर वन साइडेड या वी शेप रिकवरी कह दो, या फिर अप या डाउन कोई सा भी एक मोमेंटम दे सकता है, तो चांसेस है कि जो हमारी एक्सपायरी होगी वो एक कंसोलिडेटेड रेंज के अंदर ही कहीं ना कहीं रेंज बाउंड होकर निकल सकती है. तो उस एक्सपायरी पर थोड़ा सा अपना इन्वेस्टमेंट्स का या अपने ट्रेड्स का थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है. ऐसा क्यों होता है? इसके सबसे मेन कारण है ओपन इंटरेस्ट यानी कि सेलर्स की पोजिशंस. अब वो कैसे देखते हैं, उसका देखने का सबसे बढ़िया तरीका होता है जो भी मैंने पहले बताया था. सेलर्स अपनी पोजिशंस बनाकर रखते हैं. मैं एक बार ड्रॉइंग हटा देता हूं. फॉर एग्जाम्पल, आपको एक छोटी सी चीज समझनी बहुत जरूरी है. मार्केट में हर चीज का एनालिसिस करके चलेंगे तो पैसे बनेंगे. सिर्फ कैंडलशिप पढ़ लेने से या फिर सिर्फ सपोर्ट रेसिस्टेंस जानने से पैसा नहीं बनता है. आप ये मानकर चलो कि ये एक रेंज मार्केट ने बनाई है किसी दिन, मानो एक्सपायरी से एक दिन पहले बनाई है. सेलर्स क्या करते हैं, सेलर्स बहुत सारी पोजिशंस अपनी बनाकर रखते हैं. मोस्ट ऑफ सेलर्स हेज करके रखते हैं. अब हेज के अंदर बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती है जिसमें से मोस्टली सेलर्स यूज करते हैं, स्ट्रैंगल या फिर स्ट्रेडल. इन दोनों ही पोजीशंस के अंदर, मार्केट के अंदर, सेलर्स पोजीशन ऊपर और नीचे की तरफ अपने बना के रखते हैं. नॉर्मल डेज में जब कंसोलिडेट होता है तो मार्केट अगर ऊपर नीचे भी होता है तो सेलर्स अपनी पोजीशंस को एडजस्ट करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट ठीक ठाक पड़ता है. लेकिन एक्सपायरी के दिन सेलर्स एडजस्ट करने की जगह मार्केट से तुरंत प्रभाव से निकलते हैं अगर किसी तरफ का मोमेंटम आता है. दोबारा से ध्यान से इस चीज को समझिएगा. फॉर एग्जाम्पल, आज एक्सपायरी है, कल मार्केट कंसोलिडेट होया हुआ था, ठीक है, परसों भी कंसोलिडेट था, तो सेलर्स ने कुछ ऊपर यहां पोजीशंस और कुछ नीचे की तरफ यहां पोजीशंस बना रखी है, या फिर कुछ यहीं पर ही बीच में कहीं पर बनाकर छोड़ रखा है, या फिर एक ऊपर से नीचे छोड़ रखा है. एक्सपायरी के दिन अगर मोमेंट एक साइड का होता है, जो कि होने के चांसेस ज्यादा है, तो सेलर्स अपनी पोजीशंस को वाइंड अप करते हैं और एक
रेंज की वजह से काफी अच्छी मात्रा के अंदर पोजीशंस बनी होती है, ओपन इंटरेस्ट बने होते हैं। अब सबसे पहले एक बीच में बात बता देता हूँ, ओपन इंटरेस्ट को, सेलर्स की पोजीशंस को, कहाँ पर सेलर्स ज्यादा है, कौन सी जगह से सेलर्स भाग रहे हैं, ये पता चलता है अपनी इस ऑप्शन चेन से। कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है सेलर्स की पोजीशंस के बारे में, ऑलमोस्ट आपको सब कुछ पता चलेगा। आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको जेन्युइन सपोर्ट रेसिस्टेंस, सेलर्स की ओआई पोजीशंस को जानने में बहुत हेल्प मिलेगी। आपको जरूर चेकआउट करनी है अगर बेनिफिट लेना है। क्या होता है जब एक्सपायरी से पहले जब एक कंसोलिडेटेड मार्केट रहता है, एक रेंज बाउंड रहता है, तो दोनों ही तरफ से मार्केट को पकड़ के लोग बैठे होते हैं, नीचे से भी ऊपर से भी। तो जब एक तरफ मार्केट थोड़ा सा निकलने की कोशिश करता है तो वो उसी तरफ निकलता हुआ क्यों चलता है या फिर वी शेप में वापस क्यों आता है? उसका रीजन है यहाँ की पोजीशंस वाइंड होती है, यहाँ की पोजीशंस वाइंड होती है तो वो होती है शॉर्ट कवरिंग। अगेन पोजीशंस ऊपर वाली भी वाइंड होती है और वाइंड होती होती जाती है, मार्केट में पैसा आता जाता है, पोजीशंस निकलती जाती है, मार्केट ऊपर चला जाता है। उसी तरीके से नीचे की पोजीशंस जैसे जैसे हटती है मार्केट और नीचे जाता रहता है। एक्सपायरी के दिन इसका बेनिफिट ज्यादा मिलता है बिकॉज एक्सपायरी के अलावा तो क्या होता है, पोजीशंस को एडजस्ट करके ऊपर डाला जा सकता है, ठीक है। वैसे भी सेलर्स अपनी पोजीशंस एडजस्ट करते हुए चलते हैं, लेकिन एक्सपायरी के दिन इतना एडजस्टमेंट नहीं चलेगा। एक्सपायरी के दिन सेलर्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं अपने एसएल्स को लेकर, अपनी पोजीशंस को लेकर। वो कहीं ना कहीं मार्केट से अपनी पोजीशंस को निकाल देते हैं जिसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग आती है। अगर नहीं निकालेंगे तो उन्हें सिर्फ कुछ 40-50 पॉइंट के चक्कर में हो सकता है 100-200 पॉइंट देने पड़ जाए। तो इसकी वजह से एक शॉर्ट कवरिंग का बेनिफिट हमें एक्सपायरी के दिन मिलता है। एक्सपायरी में लास्ट के टाइम पे आपने अगर नोटिस किया हो तो बहुत बार मोमेंटम शार्प जाते हैं, 200-300 पॉइंट 15 मिनट में ही निकाल, क्यों निकालता है? शॉर्ट कवरिंग की वजह से। अब शॉर्ट कवरिंग कैसे निकाले, क्या पता होता है, उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी एक ऑप्शन चेन वाली वीडियो, जिससे आपको सेलर्स की पोजीशंस का आइडिया लगता है कि यहां सेलर्स बहुत दबा के बैठे हैं, जैसे ही मार्केट यहां से ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं वो अपनी पोजीशंस को वाइंड करेंगे, बंद करेंगे, एग्जिट करेंगे, जिसकी वजह से मार्केट और पीक लेवल पे जाने की कोशिश करेगा। तो ये मेन रीजन होता है एक्सपायरी के दिन हमारा मार्केट एक मोमेंटम रहे। तो एक चीज हमेशा याद रखो, जब कभी भी, आज कल एक्सपायरी है, ठीक है, कल अगर एक्सपायरी है या फिर दो दिन बाद हमारी एक्सपायरी है, अगर मोमेंटम हो रहा है कंसोलिडेटेड एक रेंज में, तो एक्सपायरी के दिन बड़े मोमेंट्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर एक्सपायरी से पहले मार्केट में ऑलरेडी मोमेंटम हो रहे हैं या एक्सपायरी से एक दिन पहले अच्छा खासा मोमेंटम हो जाए, तो मे बी पॉसिबल कि हमारी जो एक्सपायरी है वो एक छोटे से रेंज के अंदर बंद कर रह जाए। देखो, ये चांसेस होने की संभावना ज्यादा है मार्केट में, हो तो कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी सकता है, मार्केट रेंज में भी रह सकता है, निकल भी सकता है, लेकिन इन चीजों के होने की चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इस तरीके से आप एक्सपायरी के मोमेंटम को समझ सकते हैं। किसी भी चीज से रिलेटेड समझ में ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और इस वीडियो को ढंग से समझने के लिए आपको ऑप्शन चेन वाली जो वीडियो है मेरी, वो बहुत ज्यादा जरूरी है देखने की। उसमें सिर्फ मैंने ऑप्शन चेन नहीं समझाया है, इतना डिटेल में ऑप्शन चेन को समझाया है कि ऑप्शन चेन के साथ साथ सेलर्स अपनी पोजीशंस कैसे बनाते हैं, कैसे सेलर्स निकाल लेते हैं, कैसे ओआई वर्क करता है, ओआई में चेंज कैसे होता है, जेन्युइन सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करें, जेन्युइन शॉर्ट कवरिंग कौन सी जगह आ सकती है, कहां से मार्केट बहुत ऊपर, कहां से मार्केट बहुत नीचे जा सकता है, सब कुछ समझाया हुआ है, वो आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो।